Hey everyone, welcome back to the channel. So in the today's video, we are going to start with the concept of money multiplier. In the last video, we did the concept of deposit multiplier. And I told you that we are going to take things a little higher. Conceptually, deposit multiplier and this concept of money multiplier are almost the same. लेकिन डिपॉजिट मल्टीप्लायर एक बहुत ही सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट मनी मल्टीप्लायर, इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एंड द अजम्पशंस आर वेरी वेरी लेस ओवर हियर. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन, द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर. थ्योरी ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या है? इट सेज दैट हाई पावर्ड मनी. नाउ व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी होता है जो मनी सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी. That is called high powered money. इसे high powered money कहते क्यों है? Why? What is the reason? See, ऐसा नहीं है कि central bank के पास complete authority है कि वो कितने भी चाहे notes print कर सकते हैं. It doesn't work like that. Otherwise तो हर economy में हम लोग notes print करते जाएंगे. Things doesn't work like that. Actually में ये जो money central bank print करता है, this is the liability of the central bank. ये central bank की एक liability है. That means उनके पास एक answerability है that why are they printing this money? और हमें पता है फॉर एवरी लाइबिलिटी देयर हैज़ टू बी एन एसेट. यानी कि जो भी मनी प्रिंट होता है उसके अगेंस्ट वी शुड हैव अ एसेट इन बैकअप. और ये एसेट होती है हमारे गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो फॉर एग्जांपल जस्ट थिंक प्रैक्टिकली, अगर सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, उतने ही हैं, लेकिन वो मनी प्रिंट कर रहा है, तो उससे क्या होता है? मनी की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू फॉल करती है. That is why central bank is very conscious when they are printing the money. So it is called high powered money because it has a backup of gold reserves and foreign exchange reserves, right? So theory of money multiplier कहता है कि high powered money multiply हो जाता है to become the total money supply. हमें पता है total money supply क्या होता है? Total money जो कि public के पास है, whether in the form of cash or in the form of deposits. And in the last video we have also seen कि commercial banks भी मनी जनरेट कर सकते हैं. तो इसका मतलब है जितना मनी प्रिंट होता है, मनी सप्लाई उससे ज़्यादा होता है. टोटल मनी सप्लाई इज मोर देन दैट. सो वी वांट टू नो दैट नंबर कि हाई पावर्ड मनी कितना मल्टीप्लाई होता है टू बिकम द टोटल मनी सप्लाई. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लाई, राइट? सो सेंट्रल बैंक प्रिंट्स हाई पावर्ड मनी एंड कमर्शियल बैंक दे क्रिएट क्रेडिट मनी बाय द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल इन दिस वीडियो ऑल्सो. तो यहाँ पे लेट्स से अ पर्सन डिपॉजिट्स 1000, ओके दिट्स 1000, ओके सॉरी फॉर द स्लाइड्स, इट्स रिटन 100 ओवर हियर बट इट्स 1000. लेट्स से पर्सन ए के पास 1000 रुपीस है, तो ये हाई पावर्ड मनी है क्योंकि उसके पास करेंसी का फॉर्म है, राइट? करेंसी फॉर्म में है एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इज 20%, ठीक है? तो क्या होगा, दिस पर्सन ए ये बैंक के पास जाता है और 1000 रुपीस बैंक के पास डिपॉजिट करता है. बैंक 20% यानी कि 200 रुपीस रिजर्व में डालता है और 800 को लेंड कर देता है. पर्सन बी 800 रुपीस बोरो करता है और किसी और बैंक में डालता है. अब उस बैंक के पास 100 रुपीस का डिपॉजिट, 800 रुपीस का डिपॉजिट आ गया. बैंक उस 800 का 20% यानी कि 160 रिजर्व्स में डालता है और 640 को फर्दर लेंड करता है. तो हमें दिख रहा है कि जो हाई पावर्ड मनी था 1000 और जो टोटल मनी सप्लाई है दैट इज 5000, इसमें बहुत डिफरेंस है. सो आई वॉन्ट टू नो कि हाई पावर्ड मनी कितना मल्टीप्लाई होता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लाई. So today we are going to understand this concept. So first of all, some important notations that we have to understand. H is equal to C plus R. H क्या है? High powered money, the money that has been printed. ये क्या हो सकता है? या तो करेंसी विद द पब्लिक, जो लोगों के पास करेंसी है, C, या फिर रिजर्व्स, क्योंकि हमें पता है कि बैंक्स अपने रिजर्व्स भी कैश के फॉर्म में रखते हैं. डिपॉजिट्स कैश के फॉर्म में नहीं होते, डिपॉजिट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो रिजर्व्स होते हैं वो हमेशा हमेशा कैश के फॉर्म में ही होंगे. तो हाई पावर्ड मनी क्या हो सकता है? या तो लोगों के पास है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, या फिर बैंक्स के पास है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. सो एच इज इक्वल टू सी प्लस आर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड. सेकेंड इक्वेशन इज एम. एम यानी कि टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस डी डी. टोटल मनी सप्लाई यानी कि टोटल लोगों के पास कितना पैसा है. नंबर वन सी, जो लोगों के पास करेंसी है. नंबर टू डी डी, जो लोगों ने बैंक में डिपॉजिट्स कर रखे हैं वो भी लोगों के पास मनी के फॉर्म में पैसे हैं. So we have to understand these two definitions. H is equal to C plus R and M is equal to C plus DD. Now let's understand the theory of money multiplier. Theory of money multiplier kehta hai that high powered money gets multiplied by certain value to become the total money supply in the economy.
दैट सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर. उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से. सो लेट्स फाइंड आउट. दिस इज द इक्वेशन. टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल टू, दैट इज एम, कैपिटल एम इज इक्वल टू हाई पावर मनी कैपिटल एच मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम, दैट इज मनी मल्टीप्लायर. राइट, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर मनी. अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट दोज इक्वेशंस व्हिच वी डिड इन द लास्ट स्लाइड्स. दैट इज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू सी प्लस डी डी विच इज टोटल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय सी प्लस आर विच इज एच, दैट इज हाई पावर मनी. इन सब का हमें मीनिंग पता है. नाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक दिस प्रैक्टिकली. मनी मल्टीप्लायर एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, राइट, पूरी इकोनॉमी के लिए हम इसे निकालते हैं. क्या आरबीआई के लिए या सेंट्रल बैंक के लिए पॉसिबल है ये बात जानना कि लोगों के पास एक्चुअल में कितनी करेंसी है या कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं उसमें सब में कितना डिपॉजिट है? दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर ऑल्सो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम एग्जैक्टली कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते. वी ऑलवेज एस्टिमेट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इनकम को हमेशा एस्टिमेट किया जाता है, पॉपुलेशन को हमेशा एस्टिमेट किया जाता है. सिमिलरली मनी मल्टीप्लायर को भी एस्टिमेट करना है. सो हमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जिसकी वैल्यू असर्टेन करना, एस्टिमेट करना पॉसिबल हो. एक्चुअल में कितनी करेंसी है या एक्चुअल में कितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं ये फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डिमांड डिपॉजिट्स. इस पूरी इक्वेशन को डी डी से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट वी विल गेट सी अपॉन डी डी प्लस वन, क्योंकि डी डी और डी डी कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी डी प्लस आर अपॉन डी डी. अब इन वेरिएबल्स को अच्छे से समझना है. इसको मैं डिनोट कर रही हूँ इससे, दैट इज सी अपॉन डी डी को मैं लिख रही हूँ सी आर, और आर अपॉन डी डी को मैं लिख रही हूँ आर आर. अब इसे बहुत ध्यान से समझिए क्या है. दिस इज वेरी सिंपल. सी अपॉन डी डी होता है, दैट इज सी आर इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो. यानी कि सेंट्रल बैंक को सिर्फ इतना जानना है, दे जस्ट वॉन्ट टू एस्टिमेट कि लोग अपने डिपॉजिट्स का कितना परसेंट कैश के फॉर्म में रखते हैं. आई थिंक ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एस्टिमेट करना फेयरली पॉसिबल है. एंड सिंपल, आर आर इज रिजर्व डिपॉजिट, यानी कि बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कितना परसेंट वो रिजर्व्स के फॉर्म में रखते हैं. ये तो सेंट्रल बैंक को पता ही होता है, बिकॉज ये बात ये परसेंटेज तो सेंट्रल बैंक ही आरबीआई को, सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक्स को देता है. तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो तो वी नो एग्जैक्टली. एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो हम एस्टिमेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, कि लोग अपने टोटल डिपॉजिट्स का कितना परसेंट अपने पास करेंसी के फॉर्म में रखते हैं. राइट, सो द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज सी आर अपॉन वन, सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई सी आर अपॉन आर आर, वेयर सी आर इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड आर आर इज रिजर्व डिपॉजिट रेशियो. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लेट्स से कि एक इकोनॉमी में लोग अपने डिपॉजिट्स का 40% करेंसी के फॉर्म में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1000 रुपीज के डिपॉजिट्स हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं 400 रुपीज अपने पास कैश के फॉर्म में रखूँ, ट्रांजैक्शंस के लिए, प्रिकॉशंस के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, वॉट एवर. सो सी आर इज इक्वल टू 0.4. ये वो वेरिएबल है जो कि सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के लिए एस्टिमेट करना फेयरली पॉसिबल है. और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बैंक की है 5%, राइट. सो आर आर इज 0.05. अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है 3.11. दैट मीन्स सेंट्रल बैंक को पता है अगर वो 100 रुपीज का नोट प्रिंट करेंगे तो इकोनॉमी में 311 रुपीज़ का मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज हाउ आरबीआई और एनी सेंट्रल बैंक एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एस्टिमेट. वाई? क्योंकि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई इस मनी मल्टीप्लायर से एस्टिमेट करता है कि कितने नोट्स हमें प्रिंट करने हैं, कितनी करेंसी हमें हमारे लिए प्रिंट करना ज़रूरी है, एच यानी कि हाई पावर्ड मनी कितना प्रिंट करना है, सो दैट टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में जितनी रिक्वायर्ड है वो आ जाए. This is the concept of money multiplier. I hope you all understand the concept. Anyhow, in some classes I have seen in 12th standard, the concept is very simple. Even in the last video when I explained the concept of deposit multiplier, usme value aayi thi 1 upon R, that is 1 upon reserve requirement. Wo yahi cheez hai. This is simple. It is this only, money multiplier only. Lekin usme humne ek assumption liya tha. In the simplified model, hum ek assumption lete hain ki log apne paas koi bhi money cash ke form mein nahi rakh rahe hain. लोग अपना सारा मनी डिपॉजिट्स में डाल रहे हैं. सो इन दैट केस सी आर, दैट इज क्रेडिट, दैट इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो बिकम 0, क्योंकि लोग करेंसी तो अपने पास रख ही नहीं रहे हैं.
और इसी फॉर्मूला में मनी मल्टीप्लाई के फॉर्मूला में अगर मैं सी आर को जीरो पुट कर दूँ सो वी गेट द सेम वैल्यू दैट इज़ वन अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट. यही 12th स्टैंडर्ड में या बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल्स में पढ़ाया जाता है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर. सो डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर एक जैसे ही कॉन्सेप्ट्स हैं. इट्स जस्ट दैट डिपॉजिट मल्टीप्लायर बहुत ही अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेता है कि लोग अपने पास करेंसीज नहीं रखते हैं विच इज़ नॉट ट्रू. लेकिन मनी मल्टीप्लायर इस अजम्पशन को रिलैक्स करता है कि लोग अपने पास मनी करेंसी के फॉर्म में भी रखते हैं और डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी रखते हैं. सो दैट्स द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर सी आर प्लस वन अपॉन सी आर प्लस आर आर वेयर सी आर इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड आर आर इज रिजर्व डिपॉजिट रेशियो. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. कीप स्टडीइंग एवरीवन. थैंक यू सो मच.